क्या कहना, हनुमान जी महाराज तो कथा में इनकी पहचान क्या है, कथा में सबसे पहले पहुंच जाते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। राम जी से जब हनुमान जी को मांगने का मौका आया, हे हनुमान मांगो क्या चाहते हो, हनुमान जी बोले जहां जहां आपकी कथा हो वहां हम पहुंच जाएं। राम जी हंस गए, बोले वाह इसका मतलब तुम कथा तो एक जगह होती नहीं, इसी टाइम पर यहां भी कथा हो रही, कहीं और हो रही होगी। अभी हमें खबर मिली, कल ही बात परसों हो रही थी, हमारे भैया जी भी कथा कर रहे, पूज्य श्री चिन्मयानंद बापू जी भी लंदन में ही कथा कर रहे, लेस्टर में कर रहे, वो भी विराजमान है। तो एक ही समय में अनेक जगह कथाएं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि केवल यहीं पर हनुमान जी आए, वहां नहीं होंगे, भारत में भी कथा चल रही होगी, विदेशों में भी। तो क्या हनुमान जी एक ही कथा में पहुंचते, बोले नहीं नहीं नहीं। राम जी ने कहा मांगो, तो हनुमान जी बोले जहां जाए आपकी कथा हो वहां वहां हम पहुंच जाएं। राम जी मुस्कुराकर बोले अरे हनुमान जी तुम बड़े चतुर हो, क्यों आप इस वरदान के साथ साथ यह मांगना चाहते कि कथा तो अनेक जगह शुरू होगी, अनेक रूप बना करके हम पहुंच जाएं, अनेक रूप बदलने की क्षमता मांग रहे हो, अनेक रूप बनाने की सामर्थ्यता मांग रहे हो। आहा, एक जगह और हमने पढ़ा, इसको भी सुनिए। राम जी जब गोलोक जाने लगे तो श्री हनुमान जी ने कहा कि दास को आज्ञा, राम जी ने कहा कि कुछ नहीं चलो साथ में। हनुमान जी बोले हम नहीं जाएंगे। राम जी बोले क्यों नहीं जाओगे, हनुमान जी बोले यही आनंद है। बोले हमारे बिना रह लोगे, हनुमान जी बोले हम आपके बिना कैसे रह पाएंगे, हमें तो आपकी कथा प्रिय है, हम कथा के सहारे रह लेंगे। तो राम जी ने कहा कि नहीं 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 हमारे साथ चलो। हनुमान जी बोले अच्छा चल तो रहे आपके साथ पर वहां आपकी कथा है। राम जी बोले वहां हम ही हैं पर हमारी कथा की क्या जरूरत है, वहां केवल हम हैं हमारी कथा नहीं है। हनुमान जी बोले फिर तो हम जाने वाले नहीं हैं। बोले क्यों, बोले आप जहां हैं वहां आपकी कथा नहीं है, आप तो हैं पर आपकी कथा नहीं है, हम तो वहां रहना चाहते हैं जहां आपकी कथा भी हो और आप भी हो, जहां राम कथा होगी तो वहां कथा भी होगी और आप भी विराजमान होंगे, हमें कथा का भी सानिध्य मिलेगा और राम जी का भी सानिध्य मिलेगा।